हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। तो आज आप लोगों के लिए मैं बताने वाला हूँ कंप्लेंट अगेंस्ट इन्फोसिस फॉर डिले ऑनबोर्डिंग। तो NITS के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनकी कंप्लेंट हुई है इन्फोसिस की तरफ से, इन्फोसिस के लिए मतलब कंप्लेंट अगेंस्ट इन्फोसिस के अगेंस्ट कंप्लेंट की है 2000 कैंपस रिक्रूट डिले की वजह से। तो क्या पूरी इन्फॉर्मेशन है, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पर दिख रहा है NITS एलिजिस इन्फोसिस टू डिले ऑनबोर्डिंग ऑफ 2K कैंपस रिक्रूट्स। तो जो 2000 से ऊपर कैंपस रिक्रूट के डिले ऑनबोर्डिंग की वजह से जो हमारे इन्फोसिस कंपनी है उसके अगेंस्ट NITS ने कंप्लेंट रेज की है। तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है, IT एम्प्लॉयज़ यूनियन फाइल कंप्लेंट विथ लेबर मिनिस्ट्री ओवर द को रिपीटेड डिले, मतलब डिले अगेन एंड अगेन डिले की वजह से उन्होंने कंप्लेंट की है फाइल लेबर मिनिस्ट्री ने ओवर द IT एम्प्लॉय ने लेबर मिनिस्ट्री को फाइल मतलब कंप्लेंट फाइल की है। अब बात करते हैं पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन। IT एम्प्लॉय इंडियन नेशनल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज सेनेट NITS हैज़ फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट इन्फोसिस फॉर एजिलिटी डिलेइंग द ऑनबोर्डिंग ओवर 2000 कैंपस हायर फॉर मोर देन अ 2 ईयर। तो जो कि IT एम्प्लॉय थे उन्होंने NITS से कॉन्टैक्ट किया, उसके बाद में उन्होंने फाइल अगेंस्ट की इन्फोसिस के लिए, क्योंकि उन्होंने 2000 से ऊपर कैंपस हायर को 2 साल से ऊपर उनको ऑनबोर्डिंग का डिले कराया लेकर आया। तो कंप्लेंट हैज़ बीन फाइल्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और जो कि कंप्लेंट की गई है फाइल हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के थ्रू भी फाइल की गई है, जिसके बारे में ऑनबोर्डिंग डिले इतना ज़्यादा हाइपर पे चल रहा है क्योंकि कंपनी गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो चुकी है क्रिटिकल IT सेक्टर की। अकॉर्डिंग टू द नितेश NITS प्रेसिडेंट हरप्रीत सालूजा, दिस डिले हैव कॉज हार्डशिप टू द अफेक्टेड एम्प्लॉय, मैनी ऑफ देम हु टर्न डाउन द अदर जॉब ऑफर रिलाइंग टू एन ऑन Infosys offer letter, now they face the financial hardship and uncertainty due to the lack of income clear onboarding timeline। तो उन्होंने ये बोला है कि बहुत सारे employee थे जिन्होंने मतलब दूसरी job के offers letter हैं जो कि deny कर दिए थे Infosys offer letter की वजह से, जिसकी वजह से उनको financial problem face करनी पड़ रही, situation बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से उनके lack of income है और onboarding timeline की वजह से उनके experience भी lose होता जा रहा है और उनके में year gap का भी situation आती जा रही है, जिसकी वजह से serious बीच होने वाले यंग इन्फोसिस को ये चीज़ पहले अभी दोबारा से नहीं हुई है, बहुत टाइम से NITS ने कंप्लेंट कर चुकी है फाइल की ऑनबोर्डिंग डिले के रिगार्डिंग इन्फोसिस को, क्योंकि इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है जिसने अभी तक कोई ऑनबोर्डिंग की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत ही कंपलसरी था। तो IT यूनियन नेशनल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फाइल टू लेबर एम्प्लॉयमेंट, सबसे बड़ा रीज़न हमारा यही है कि ऑनबोर्डिंग अगर आप लोग डिले कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसकी आप लोग ऑनबोर्डिंग की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दीजिए कि हम ये कर सकते हैं। तो IT सेक्टर में ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी था और स्पेशली इन्फोसिस के रिगार्डिंग, क्योंकि इन्फोसिस ने अभी तक कोई अपडेटेड नहीं दी है, ओवर हो चुका है हमारे 32 मंथ्स से ज़्यादा ऊपर हो चुका है, कुछ कैंडिडेट इवनली 2021 के भी कैंडिडेट थे जो कि वेट कर रहे थे, क्लेमिंग दैट डिले हैव हैपेंड मोर देन 2 ईयर्स हैव कॉज इमेंस हार्डशिप टू अफेक्टेड एम्प्लॉय, यूनियन आस्क मिनिस्ट्री टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। तो इस मैटर के बारे में इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी था, इस वजह से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया NITS ने और हमारी लेबर मिनिस्ट्री ने लिया है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में कुछ देखना चाहिए, इन्फोसिस को मतलब कन्फर्म करना चाहिए कि हम ऑनबोर्डिंग देंगे या नहीं देंगे, स्पेशली कैंडिडेटों के बारे में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ही सही लगी क्योंकि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लिया है इस बार, क्योंकि पिछले बार भी इन्फॉर्मेशन थी TCS और विप्रो के बारे में जब NITS ने भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए थे, उसके बाद में उन्होंने ऑनबोर्डिंग के कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, अपडेटेड स्टार्ट कर दिए थे, तो इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा थी। अब बात करते हैं, दिस ट्रस्टेड इन्फोसिस टू प्रोवाइड अ स्मूथ ट्रांजेक्शन इन टू देयर करियर बट इंस्टीड दे हैव बीन लेफ्ट टू लिम्बो, द यूनियन सेड इन द स्टेटमेंट। उन्होंने कुछ भी फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर की, मैं अभी तक इतने वीडियो बना रहा हूँ इन्फोसिस के बस अभी, बट डिसीजन पेंडिंग, एप्लीकेशन पेंडिंग, डिसीजन पेंडिंग। इसके अलावा उन्होंने एक्सपीरियंस की भी हायरिंग स्टार्ट कर दी पर उन्होंने पास्ट के कैंडिडेट को अभी तक ऑनबोर्डिंग नहीं दी है। तो थैंक यू गवर्नमेंट, मैं बोलना चाहता हूँ NITS को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि स्ट्रिक्ट एक्शन ले जितना जल्दी हो सके, कैंडिडेट के बारे में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम सिचुएशन हार्ड है।